जिस दिन आप डिस्ट्रेस कॉल दे देंगी, जिस दिन आप ये कह देंगी कि हम खतरे में हैं और रामलीला ग्राउंड आ जाओ, तो रामलीला ग्राउंड में जगह नहीं बचेगी, इतने लोग आपके समर्थन में आ जाएंगे। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतिहास के सही पक्ष की तरफ हैं। आपकी मांग जायज है, आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं जो दिल्ली में बैठे उन्हें बताना चाहता हूं कि हम उस इलाके के लोग हैं जहां एक द्रौपदी के सम्मान के लिए कई हजार लोग कट गए थे और जान दे दी थी सबने। ये तो इतनी बच्चियों का सम्मान है, 7 या 8 का सम्मान है। कितने लोग कट जाएं, मर जाएं, बर्बाद हो जाएं, लेकिन इनका सम्मान हम रेस्टोर करके छोड़ेंगे, इसको वापस लेके छोड़ेंगे। मैं इमरजेंसी में जेल में था, तो वहां मैंने महाभारत पढ़ा था। उसमें एक एपिसोड आता है जिसमें कृष्ण भगवान सवेरे सवेरे द्रौपदी के पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। द्रौपदी पूछती है क्या हुआ, कहने लगे नहीं मुझे तुमसे एक दीक्षा चाहिए, मैं कुछ मांगने आया हूं। द्रौपदी ने कहा क्या मांगने आए हो, तो उसने कहा मुझे अपनी और अर्जुन की, दो लोगों की हमारी जान बख्श दो, चुके मुझे पता है कि तुम सारे मर्दों के खिलाफ हो चुकी हो और तुम दुनिया के सारे मर्दों को बर्बाद देखना चाहती हो, और तुम ऐसा चाहोगी तो ये हो जाएगा, लेकिन हम दो पे तुम कृपा कर देना। अगर इन बच्चियों के साथ ज्यादा जाती हुई तो पता नहीं कितनी बर्बादी के बाद ये मांग माननी पड़ेगी इनको, जो आज नहीं मान रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने मेरी पार्टी बीजेपी बता दी। मैं तो जिस दिन गवर्नर बना था उसी दिन पार्टी से ताल्लुक खत्म हो जाता, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और जिंदगी में उस तरफ कभी देखूंगा नहीं। मैं तो उस लड़ाई में कूद पड़ा हूं जिसमें इनको बेदखल करना है, जिसमें इनको हटाना है। अकेले पुलवामा का जो मैंने रहस्य उद्घाटन किया है, अगर इसी को लेके हम गांव गांव चले गए, अब ये फैल गया है। टीवी पे तो इसको नहीं आने दिया था उन्होंने, उसी दिन शाम को ये पाबंदी लगा दी थी कि पुलवामा के मामले पे एक लाइन नहीं जानी चाहिए, लेकिन ये हमारे बच्चे जो वो करते हैं इससे सोशल मीडिया घर घर चला गया। हर आदमी पूछ रहा है कि अच्छा हमारे बच्चे मरवा दिए उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, कोई जांच नहीं की उस मामले में। और मैंने यही कहा था कि ये हमारी गलती से हुआ, तो मुझे कहा गया कि चुप हो जाओ। मैं समझा इसलिए चुप कर रहे हैं कि जांच कराएंगे, आज तक कोई जांच उसकी नहीं हुई है। 42 बच्चे हमारे सब घरों के जवान बच्चे चले गए और इनको कोई उसका असर नहीं हुआ। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि ये तो इसी पे जिबे हो जाएंगे, इनका पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए। और ये बच्चियों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं ये सर पे चढ़ के बोलेगा, ये जब गांवों में जाएंगे सब जगह लोग इनसे पूछेंगे कि उन बच्चियों का क्या कर रहे हो, इन पे कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं जो भी बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी जान बचानी है तो अभी से दबाव डालो कि इन बच्चियों के सवाल को मान लें, इनकी मांग को मान लें, इनका अपमान ना करें। मैंने देखा रात में जब ये बारिश में वो अपने लिए तख्ते मंगवा रही थी, तब इनके साथ पुलिस का जो व्यवहार था वो बहुत शर्मनाक था, लेकिन यहाँ तो सब प्रशासन में समझ शर्म खत्म हो चुकी है, सरकारों में तो हो ही चुकी है, लेकिन जनता में अभी बची हुई है। अगर ये लड़ाई जल्दी से खत्म नहीं की और इनकी बातें नहीं मानी गई तो ये बहुत दूर तक जाएगी। और जैसे किसानों के मामले में माफी मांग के कानून वापस करने पड़े, इसी तरह से माफी मांग के इन बच्चियों की मांग माननी पड़ेगी। अभी तो
मैं तो कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता हूं। मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिलने गया किसानों के मामले पे, और मैंने उन्हें कहा साहब ये 6 महीने से पड़े हैं, इनसे अब तक बात नहीं हुई है, कुछ बातचीत हो जाए, इनको कुछ ले दे के निपटा दीजिए, तो बोले चले जाएंगे सतपाल, क्यों फिक्र करते हो। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा साहब इनको जानते नहीं हो आप, जिससे लड़ रहे हो उसके बारे में जान लो कि लड़ किससे रहे हो, ये भी जान लो ये किन की बेटियां हैं। मैंने कहा कि ये जो सिख लोग हैं ये 300 साल नहीं भूलते हैं, इनके गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया था, ये ऐसे ही नहीं जाएंगे। और हमारे वाले तो अकबर की कब्र खोद लाए थे, ये तो तीसरे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे। इन लोगों से लड़ा नहीं जाता, इन लोगों से बातचीत करके मसला हल किया जाता है। तो इन बच्चियों का भी डीएनए जान लेना चाहिए सरकार को कि किनको सता रहे हो, किनको दुखी कर रहे हो। इनके साथ वो लोग हैं जो कितनी दूर तक चले जाएंगे और आपको बर्बाद कर देंगे। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि आए और ये जल्दी से जल्दी इनकी मांग मान लें। अभी मैं जब ये मेडल जीत के आती हैं, एक तो मैं आपको बताऊं, जब ये पोडियम पे खड़ी होती हैं और तिरंगा लहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, तो हर आदमी के बदन में एक झुरझुरी हो जाती है। लेकिन अच्छा, उस वक्त इनकी जात नहीं पूछते हो कि ये 10 मेडल लाई है तो इसमें कितनी किस जाति की है, अब इनकी जात पूछ रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। इनकी कोई जाति नहीं है, इनकी एक ही जाति है कि राष्ट्र देश के लिए हैं और देश के लिए उन्हें मेहनत करके नाम और सम्मान कमाया है, तो कुछ एहसान मानो और इसकी भरपाई करो इनकी बात मान के। मैं बहुत लंबा भाषण करने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, पैरों में चोट है, इसके बावजूद मैं व्हीलचेयर लेके 2 बार आ चुका हूँ, आता रहूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। पर मैं बच्चियों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि कुछ मत करो, आप बैठे रहना, खाना खाते रहना, ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जब ये अन्याय सर के ऊपर से उतर जाएगा तो आप देख लेना लोग इनके बंगलों में घुस जाएंगे, और ये तो नज़दीकी है बंगला जिसकी ज़रूरत है हमको, तो ये दिल्ली छोड़ के भाग जाएंगे। तो मैं अंत में आपको बच्चियों को आश्वस्त करता हूँ कि किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो, मैं वीरेंद्र सिंह जी, हम पूरी तरह आपके साथ हैं और कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और चौधरी साहिबान, आप सारा दिन ताश पीटते हो, उससे बेहतर है यहाँ आके बैठ जाया करो और रोज आ जाओ, आप भी अपने लोगों को कह दो, ठीक है। अच्छा सर जी, ठीक है, धन्यवाद, बहुत 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 मेहरबान।